मीडिया कल्चर एंड सोसाइटी द इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी ऑन पॉलिटिक्स इज़ अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ़ पोलिटिकल सोशोलॉजी एंड कल्चर ऑफ अ सोसाइटी प्लेज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन इन फाइंडिंग द को रिलेशन बिटवीन द टू हर वो स्टूडेंट जो पोलिटिकल सोशोलॉजी के साथ मुंसलिक है उसे यह अंदाज़ा है कि किसी भी जगह किसी भी माशरे के अंदर जो पॉलिटिक्स है दैट हैज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द ग्रोथ ऑफ अ सोसाइटी लेकिन माशरे और पॉलिटिक्स को जो चीज़ रिलेट करती है वो क्या है दैट इज़ द कल्चर उस माशरे के अंदर सकाफत कैसे पनप रही है ये बहुत इम्पॉटेंट एलिमेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी इसलिए कि जैसा जैसी सकाफत ग्रो करेगी वो किसकी बेस पर ग्रो करेगी वो लोगों की प्रैक्टिसेस पे, लोगों की नॉम्स एंड वैल्यूज़ पर और नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ कहाँ ग्रो करती हैं वो मुशरे के अंदर ग्रो करती हैं और माशरे को यूनाइट कौन करता है मुशरे को हैंडल कौन करता है वो पॉलिटिक्स होती है तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि किसी भी जगह को किसी भी कौम को किसी मुल्क को किसी मुआरे को समझना हो अगर तो वहाँ की सकाफत वहाँ की सियासत जो है उसको समझा जा सकता है लेकिन सकाफ़त और सियासत पर कौन असरअंदाज होता है डेफ़िनेटली वो मीडिया असरअंदाज होता है ख़ास तौर पर आज कल के दौर के अंदर तो हम ये कह सकते हैं दैट मीडियम इज़ डिफ़ाइंड एज एनी थिंग विच ट्रांसमिट्स मैसेज फ्राम पर्सन ग्रुप टू अदर पर्सन एंड ग्रुप बट मैस मीडिया इज़ दैट मीडियम विच ट्राइज टू एड्रेस लार्ज नंबर ऑफ़ पब्लिक एंड इट ट्राइज टू ट्रांसमिट इट्स मैसेज टू लार्ज पॉपुलेशन हमने हम सब जानते हैं ख़ास तौर पर आज कल के दौर अंदर, के अंदर कि मीडिया किस हद तक इंफ्लुशल है पब्लिक को कैसे अंडर इन्फ्लुएंस लाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ मीडिया और जो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं दे आर टी वी रेडियो न्यूज़ पेपर ये तो वो सारे रिसोर्स थे जो ट्रेडिशनली भी थे लेकिन अब आज कल वक्त के साथ साथ इसमें बहुत सारे एडिशंस होते चले गए हैं और उन एडिशनस के अंदर जो सोशल मीडिया है जो नेटवर्किंग है उससे बहुत ज़्यादा तब्दीली आ रही है सो द सुसाइटल पैटर्न ऑफ स्पीकिंग लिस्ंग एंड रीडिंग ऑल आर प्रोपरली इनक्लूडेड एंड इनकलकेटेड एज टूल्स फॉर वेरियस मैथ मीडिया टू कन्वे देयर मैसेजेस मैथ मीडिया को भी ये आ गई है कि लोगों तक कैसे एक्सेस किया जा सकता है पहले क्या था तहरीर के जरिए था न्यूज़ पेपर के जरिए था लेकिन अब उसके साथ साथ जो लिसनिंग है जो विजुअल है उसकी इम्पॉर्टेंस ज़्यादा होती चली गई है तो इसमें भी नई से नई इन्वेंशंस नई से नई जो एडवांसमेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं वो उसके साथ इस पूरे के अंदर भी चेंज आ रही है और इसका बेसिक पर्पस क्या है टू शेप द बिहेवियर अब ये जो बिहेवियर को शेप करना है ये सिर्फ पॉलिटिकल एस्पेक्ट से नहीं है आजकल तो सोशल बिहेवियर भी मीडिया के थ्रू ही शेप होते हैं और शेप किए जाते हैं इसमें बहुत सारे आ, जो नुक़ नज़र हैं वो मौजूद हैं एक स्पेसिफिकली जो प्लोरिस्ट परस्पेक्टिव है दे एग्जामन द मैस मीडिया एज रिप्रजेंटिंग द होल सोसाइटी ऑफ पीपल वे आर डिफरेंट पीपल एंड ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी ट्राइज टू कन्वे देयर मैसेज टू पोलिटिकल अथॉरटीज़ यानी इनका बेसिक परपज़ क्या है या थीम क्या है या अंडरलाइन थेरी क्या है फ्लोरिस्ट पर्सपेक्टिव का वो ये कहते हैं कि जब लोगों ने अपनी बात अपने ख्याल अपने कंसर्नस पॉलिटिकल अथॉरिटीज तक पहुँचाने हैं तो दरमियान में कौन सा सोर्स है वो है मीडिया का यानी वो मीडिया को यूज़ करते हैं लोग और अपनी बात अथॉरिटीज तक कम्युनिकेट करते हैं लेकिन इस पर क्रिटिसिज्म भी है क्रिटिसिज्म करने वालों का ये ख्याल है कि ये नहीं हो सकता के लोग अपनी बात पॉलिटिकल अथॉरिटीज तक पहुँचाएँ और स्टेट का कोई कंट्रोल ना हो अथॉरिटीज ने जब सिस्टम को रन करना है तो दे हैव टू लुक आफ्टर मेनी अदर एंगल्स मेनी अदर एस्पेक्ट्स आल्सो। बट विद द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन देर आर वेरियस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस ऑन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली सो द डिफ्रेंस बिटवीन द एलीट क्लास एंड द पब्लिक मैस इज़ नो मोर एंड इन्फ्लुंसिंग डिबेट अब ये बात कहना कि मीडिया जो है वो सिर्फ असरअंदाज होगा किसी एक एलिमेंट पर या एक एलिमेंट दूसरे को असरानंदाज कर सकता है ऐसा नहीं है अब जो एलीट है वो भी मीडिया को यूटिलाइज़ करते हैं अपने पर्पज़ के लिए ठीक है वो भी अपनी बात पहुंचाते हैं थ्रू मीडिया टू द मैसेज और फिर मैसेज भी अपनी बात पहुंचाते हैं एलिट तक तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल बात है वो दैट इज़ द क्रेडिबिलिटी क्रेडिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन के जो इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है लोगों के साथ वो कितनी क्रेडिबल है जो मैसेज की तरफ से बात जा रही है जो एलिट की तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है मीडिया दरमियान में है मीडिया क्या रोल प्ले कर रहा है कितना रिस्पॉन्सिबल रोल है मीडिया का दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट एंड क्वाइट क्रिटिकल